हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल दी हेल्थी रिव्यूज में। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो है बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है, नुस्खे बाई पारस का ओवरनाइट राइस मिस्ट हेयर स्प्रे। कंप्लीट डिटेल में इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, इसकी खासियत है क्या, ये एक्चुअल में वर्थ है लेना या नहीं लेना, किन लोगों को ये लेना चाहिए, क्या इसके रिजल्ट है, इसी प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे डिटेल में। बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। काफी फेमस है ये प्रोडक्ट ऑनलाइन, आप लोगों ने जरूर इसका एड तो देखा होगा, हर किसी ने, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आई एम श्योर कि आपने इस प्रोडक्ट के बारे में कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन देखा जरूर होगा। तो ये मैंने ऑर्डर किया था अभी कुछ दिन पहले और मैं ऐसे अभी प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे है पारस की फोटो, नुस्खे बाई पारस, ये इन्हीं का ब्रांड है और काफी ज्यादा फेमस वायरल प्रोडक्ट है इस टाइम ये ऑन द इंटरनेट। कि इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना वो इसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे गाइस। कोई भी प्रोडक्ट अच्छा या बुरा तभी होता है जब उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे होंगे या उसके इंग्रेडिएंट्स खराब होंगे, तो प्रोडक्ट खराब है। इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं तो प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले है यहाँ पे कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, आंवला एक्सट्रैक्ट, भृंगराज एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा लीफ जूस, नीम एक्सट्रैक्ट, हाइड्रोलाइज व्हीट प्रोटीन है, प्लांट केरेटिन प्रोटीन है, फर्मेंटेड राइस वाटर है। साथ ही साथ इसके अंदर प्रिजर्वेटिव है और यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी इसमें यूज की हुई है। अब बताना चाहूंगा, वैसे तो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है बट यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर फ्रेग्रेंस क्यों मिला दी आई डोंट नो। तो इंग्रेडिएंट्स इसके ओके हैं, कोई गलत नहीं है, बट मेन चीज इसके अंदर फ्रेग्रेंस मिला दी जो कि केमिकल बेस्ड है। फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत ही ज्यादा केमिकल होते हैं, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस कोई भी हो उसके अंदर केमिकल होंगे। फ्रेग्रेंस ऐड करने की वजह से ये प्रोडक्ट 100% नेचुरल तो रहा नहीं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है बट 100% नेचुरल नहीं रहा, इसके अंदर फ्रेग्रेंस है। फर्मेंटेड राइस इसके अंदर है जो कि प्रमोट करते हैं हेयर ग्रोथ को, कॉफी भृंगराज आंवला जो है हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, केरेटीन है वो हेयर फॉलिकल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं। मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा एक्सट्रीमली रिजल्ट नहीं दिखा कि बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट हैं। और सबसे बड़ी बात इसका प्राइसिंग, देखो इंग्रेडिएंट्स इसके ठीक हैं बट जो इस प्रोडक्ट का मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव पार्ट लगा वो है इसकी प्राइसिंग के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है गाइस, इसकी अगर आप प्राइस जानोगे तो आप हैरान रह जाओगे, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है जो कि मुझे इसकी वर्थ बिल्कुल भी नहीं लगा। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। 100 ml की ये बॉटल है जिसके यहाँ पे MRP है 649, ये आपको अमेजोन पे 600 तक मिल जाती है, 550 600 तक मिल जाती है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है, अगर हम 500 सपोज इसका एक रैंडम अमाउंट उठा लेते हैं, 500 में अगर हमें मिल रहा है 100 ml ये लिक्विड मिल रहा है, अगर 1 लीटर की बात करें तो कितना महंगा, 5,000 rupees पर लीटर ये हमें पड़ता है, जो कि आई डोंट थिंक ये प्रोडक्ट वर्थ है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 500 rupees में तो आपको और अदर आयुर्वेदिक ब्रांड के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिल जाएंगे, जिसके अंदर फ्रेग्रेंस भी नहीं होगी, प्रिजर्वेटिव भी नहीं होगा, 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स होंगे अदर बिग ब्रांड्स के। यहाँ पे मैं बात करूँ, आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको, या आपने मेरे चैनल देखा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा। पहली चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो मुझे सबसे ज़्यादा गलत लगी नुस्खे बाई पारस के इस प्रोडक्ट के बारे में, वो है इसका प्राइसिंग। प्राइसिंग 100 ml की 500 rupees प्लस है, 550 का भी मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा है ये प्रोडक्ट। क्वालिटी वाइज में तो इसके प्राइसिंग बहुत ज़्यादा लगी। दूसरी चीज़, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक कुछ नहीं है, इनका बेचने का तरीका यूनिक है जो इन्होंने स्प्रे इसे बना दिया। तो यूज़ कर रहा हूँ, देखो मैंने इतना यूज़ किया, मुझे ज़रा सा भी बिल्कुल भी इसके रिजल्ट नहीं लगे। वाटर इसके अंदर है, स्प्रे करते ही वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है, गायब हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा खास इसके रिजल्ट नहीं है। लगाने का तरीका इसका यह है कि आपको ऐसे अपने बालों में स्प्रे करना है, दैट्स इट। पुराने टाइम में स्प्रे नहीं होते थे, पुराने टाइम में आयुर्वेदिक टाइम में क्या होता था, हेड मसाज होती थी, बालों पे मसाज होती थी जो हमारे हेड के अंदर तक बैठता था। बट यहाँ पे आई डोंट नो ये प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है। इस तरह से थम्स डाउन इस प्रोडक्ट को, ना इसके मुझे रिजल्ट लगे,
और इसकी प्राइसिंग इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा है। 250 तक का ये प्रोडक्ट होता तो वर्थ था, बट 500 प्लस का ये प्रोडक्ट है, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन टू बाय। स्टिल जो भी लोग इसे बाय करना चाहते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और बताना चाहूँगा, हमारे इस चैनल पे जो भी रिव्यू होते हैं वो 100% जेन्युइन होते हैं, बिकॉज हम प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ही रिव्यूज देते हैं, ताकि आप तक पहुँचे 100% जेन्युइन रिव्यूज। और हम किसी भी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हैं, हम किसी ब्रांड के फेवर में नहीं हैं, ये हमारा पर्सनल रिव्यू है। आप लोग यूज़ करना चाहें डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो लोग बाय करना चाहते हैं। इसी आज की वीडियो अबाउट दी नुस्खे बाई पारस का ये हेयर ग्रोथ ओवरनाइट राइस मिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस और वायरल प्रोडक्ट है इस टाइम और यूट्यूब। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल पाई। करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल पाई है, और मिलता है गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।